लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का पूरा फोकस उत्तरी राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश पर शिफ्ट हो गया है। 1 जून को इन दोनों राज्यों की सभी सीटों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में वोटिंग है। इस बीच पंजाब के मतदाताओं को लुभाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मनमोहन सिंह ने एक भावुक चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर चुनाव प्रचार के दौरान द्वेषपूर्ण भाषण देकर सार्वजनिक संवाद के साथ ही पद की गरिमा को भी कम करने का आरोप लगाया है। मनमोहन सिंह ने पंजाब के मतदाताओं से अपील करते हुए दावा किया कि केवल कांग्रेस ही है जो ऐसा विकास उन्मुख प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित कर सकती है जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होगी। पंजाब के मतदाताओं को लिखे एक पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सशस्त्र बलों पर अग्निवीर योजना थोपने का भी आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सोचती रहती है कि देशभक्ति, शौर्य और सेवा का मूल्य केवल 4 साल है। ये उनके नकली राष्ट्रवाद को दर्शाता है। मोदी पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि मैं चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक संवाद पर करीबी नजर रख रहा हूँ। मोदी नफरत फैलाने वाले भाषण में लिप्त है जो प्रकृति में विशुद्ध रूप से विभाजनकारी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक संवाद की गरिमा को कम किया है और इस तरह प्रधानमंत्री के पद की गंभीरता को कम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने समाज के किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के मकसद से इस तरह के द्वेषपूर्ण, असंसदीय और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए कुछ गलत बयान भी दिए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। इस पर भाजपा का एकमात्र कॉपीराइट है। मोदी ने मनमोहन पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सिंह ने कहा कि भारत के लोग ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा, अमानवीकरण की ये कथा अब अपने चरम पर पहुंच गई है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्यारे राष्ट्र को इन विभाजनकारी ताकतों से बचाएं।